नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा एकेडमिक सेशन 2023 से 2024 के विभिन्न पाठ्यक्रमों स्नातक स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट डिप्लोमा के लिए ऑफलाइन आवेदन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदन किस प्रकार करना है एवं फीस किस प्रकार जमा करा सकते हैं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान न्यूज सेक्शन के अंतर्गत हमें एडवर्टाइजमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशन 2023 से 2024, एडमिशन फॉर्म 2023, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन फीस, इंफॉर्मेशन फॉर ऑनलाइन कोर्स 2023 के महत्वपूर्ण लिंक दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विस्तृत विज्ञापन के बारे में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके निम्न प्रकार देखा जा सकता है शैक्षणिक सत्र 2023 से 2024 की प्रवेश प्रक्रिया बाबत। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षणिक सत्र 2023 से 2024 की प्रवेश प्रक्रिया हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट पर निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करवाए जाने हैं। तो विश्वविद्यालय के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके संदर्भ में यहाँ पर जो है जानकारी दी गई है। अब बात करेंगे हम आवेदन के संदर्भ में। प्रवेश सूचना विज्ञापन 2023 से 2024। विश्वविद्यालय में सत्र 2023 से 2024 में अधोलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्यताधारी छात्रों से आवेदन आमंत्रित है। अंतिम तिथि 18/7/2023 निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र एवं प्रवेश शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया 19/6/2023 से प्रारंभ हो चुकी है। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्षीय शास्त्रीय पाठ्यक्रम वेद, धर्मशास्त्र, साहित्य, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन। 3 वर्षीय BA पाठ्यक्रम प्रस्तावित, स्थान सीमित, संस्कृत, एक संस्कृत विषय की अनिवार्यता तथा हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, इतिहास, शिक्षा शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र में से कोई भी 2 अन्य विषयों के साथ। परास्नातक में 2 वर्षीय आचार्य पाठ्यक्रम जिसमें वेद, धर्मशास्त्र, साहित्य, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन। 2 वर्षीय MA पाठ्यक्रम प्रस्तावित, स्थान सीमित जिसमें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, इतिहास, शिक्षा शास्त्र तथा दर्शन शास्त्र। 3 वर्षीय BA BSc योगा स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम। 2 वर्षीय MA MSc योगा स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम। 1 वर्षीय PG डिप्लोमा पाठ्यक्रम स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम, PG डिप्लोमा इन पौरोहित्य क्रमकांड, ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र, कंप्यूटर एप्लीकेशन, योगा थेरेपी। ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम, शैक्षणिक रहता है शास्त्री BA BSc, 12th पास आउट, आचार्य MA MSc और PG डिप्लोमा संबंधित विषय में स्नातक। अभ्यर्थी प्रवेश आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय के निदेशक शैक्षणिक परिसर कार्यालय में जमा किया जा सकता है। अपेक्षित अर्हता की परीक्षा में बैठ रहे विद्यार्थी भी प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम प्रवेश परीक्षा परिणाम पर निर्भर करेगा। प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण प्रावधान और शुल्क एवं प्रवेश से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी सहायता से आप वेबसाइट पर पहुंचकर भी और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है।
विज्ञापन तिथि 18/6/2023, आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है 19/6/2023 से 18/7/2023। शुल्क जमा करा सकते हैं 18/7/2023 तक। कक्षाएं प्रारंभ होंगी 5/7/2023। 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ में हम आवेदन कर सकते हैं 31/7/2023 तक। तो इस तरह से जो विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया, बात करेंगे एडमिशन फीस के बारे में। प्रवेश शुल्क केवल राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के लिए। कोर्स टाइप फीमेल, मेल एसटीएससी, मेल इनकम टैक्स और इनकम टैक्स गिविंग मोर देन, तो यहाँ पर फीस के संदर्भ में जो है जानकारी दी गई है, इसका अवलोकन हम आसानी से कर सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल को आप टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिप्लोमा कंप्यूटर पीजीडीए से, इसका शुल्क विवरण यहाँ पर दिया गया है, नियमित वाहिनी और विश्वविद्यालय कर्मचारी के अंतर्गत। यहाँ पर योगा के संदर्भ में कई कमेंट्स आते रहते हैं, तो यहाँ डिप्लोमा भी है और एमएससी जो पाठ्यक्रम है 2 वर्षीय, वो भी यहाँ पर जो है संचालित किया जाता है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम के संदर्भ में यह जानकारी दी गई है, 1 ईयर और 6 मंथ। आवेदन के लिए योग्यता क्या क्या है इसके संदर्भ में भी यहाँ जानकारी दी गई है, इसका भी अवलोकन हम यहाँ आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें ऑफलाइन जो आवेदन है करना होगा विश्वविद्यालय। यहाँ पर एडमिशन फॉर्म दिया गया है, इस एडमिशन फॉर्म पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। आवेदन पत्र क्रमांक, पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश आवेदन पत्र 2023 से 2024। आवेदन पत्र शुल्क है 200 रुपये। शास्त्रीय पाठ्यक्रम, जिस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम आवेदन कर रहे हैं उसका नाम लिखना होगा। स्व प्रमाणित छायाचित्र, प्रवेश परीक्षार्थी का पूरा नाम हिंदी में 10th क्लास के अनुसार, अंग्रेजी में आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल लिंग, पुरुष, जन्मदिनांक, स्थायी पता, वर्तमान पता विथ पिन कोड, छात्र छात्रा संवर्ग, विकलांगता विभाग, पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण, प्रवेशिका वरिष्ठ शास्त्री लगातार, स्नातक आचार्य स्नातकोत्तर शिक्षा शास्त्री, बीए बीएड शिक्षा शास्त्री। तो यहाँ पर जो है अगर अंतराल है तो उसका आपको जो है नोटरी जुडिशियल 10 रुपये का जो है शपथ पत्र यहाँ पर लगाना होगा। बैंक का विवरण यहाँ पर दिया गया है, जिस शाखा में हमें जो फीस है जमा करानी होगी। तो विश्वविद्यालय परिसर में प्रयोजन प्रमाण पत्र, तो इसका पीडीएफ फॉर्म आप ले सकते हैं। आय के संबंध में जो घोषणा पत्र है इसकी जानकारी दी गई है। प्रवेश के रियायत प्राप्त करने के लिए जो खिलाड़ी वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए फॉर्म दिया गया है। विभागीय बिल्ली हेतु भरा जाने वाला परपत्र, एंटिंग शपथ पत्र, तो 6 पन्नों का ये जो पीडीएफ फाइल है इसे आप डाउनलोड करें। संबंधी जो दस्तावेज हैं वो इसके साथ लगाने हैं, जिसमें यहाँ पर जो है विवरण दिया गया है, लास्ट क्वालिफिकेशन सेकेंडरी से लेकर 12th और इसके पश्चात। अगर आप स्नातक स्नातकोत्तर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो स्नातक की अंक तालिका, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राजस्थान की मूल निवासी होने की स्थिति में अगर इसमें कोई गैप है, अंतराल है, अवधि है पाठ्यक्रम में, तो आप 10 रुपये का जो नॉन जुडिशियल शपथ पत्र है वो आपको लगाना होगा। इस तरह से फीस हम विश्वविद्यालय परिसर में ही जमा करा सकते हैं। ऑफलाइन जो आवेदन है विश्वविद्यालय के द्वारा इस वर्ष लिया जा रहा है। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक बने रहें RBSE विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।